सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग रेगुलर साइंस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 सॉल्व करेंगे, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। देखिए फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट है, प्रत्येक क्वेश्चन को आंसर देने के लिए 5 सेकंड मिलेंगे, आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो है पाथफाइंडर, तो ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, पाथफाइंडर। और फ्रेंड्स देखिए, जो कोलंबिया है, प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया है फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे समझ लीजिएगा। और स्पुतनिक देखिए फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। देखिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्पुतनिक को अच्छे समझ लीजिएगा, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक। देखिए सभी क्वेश्चन को आप अच्छे समझते चलिएगा फ्रेंड्स, और चंद्रयान को आप जानते ही हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये रेलवे का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह त्रिवेंद्रम में स्थित है, तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, त्रिवेंद्रम। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौ चादर किससे लेपित किया जाता है, कौन से धातु से लेपित किया जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौ चादर पे जस्ता का लेपित किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, जस्ता। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो शायद आप जानते ही होंगे क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता होगा। तो देखिए, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा होता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, हीरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, देखिए क्वेश्चन वही है, निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ है, अभी ऊपर पढ़े हैं फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स हीरा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, जो सोडियम का प्रतीक होता है AnA होता है फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रहना चाहिए। और देखिए, जो इसका परमाणु संख्या होता है 11 होता है, 11, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा फ्रेंड्स। बस आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते चलिए फ्रेंड्स और समझते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अमलगम में रहता है। देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए अमलगम में रहता है जो पारा होता है, पारा अमलगम में रहता है, देखिए जो उसका जो प्रतीक होता है HG होता है, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, HG। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अधिकतम तन्यता वाला धातु है, देखिए सबसे अधिकतम तन्यता वाला धातु जो कौन सा धातु है फ्रेंड्स। तो देखिए, अधिकतम तन्यता वाला धातु जो होता है सोना होता है,
ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, सोना। इसका जो प्रतीक होता है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है फ्रेंड्स। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तांबा धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, तांबा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय होता है, सबसे नमनीय तन्यता कौन सा। अभी ऊपर इस क्वेश्चन को देखें फ्रेंड, तो अच्छे से देखे होंगे तो आंसर ज़रूर मालूम होगा आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, तो जो खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है वो सोना होता है। ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, सोना, गोल्ड जो होता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। देखिए जो जल में सबसे कम घुलनशील कौन सी गैस है फ्रेंड्स, तो जल में सबसे कम घुलनशील N2 होता है, ये सबसे कम घुलनशील होती है, तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो जल में जल की जो शुद्धता ज्ञात करते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो उसमें मिश्रण होता है उसे ज्ञात होता है कि जल कितना शुद्ध है और कितना अशुद्ध है। और देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत होता है। देखिए इसमें कार्बन की प्रतिशत कितना होता है फ्रेंड्स, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है खड़िया, तो इसमें 12% होती है फ्रेंड्स। ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी बना था फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइलोजनों में जो बड़ी बड़ी जो बल्ब होते हैं हाइलोजन, उसमें हाइलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजन करता है फ्रेंड्स। देखिए तो ऑक्सीकरण हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑक्सीकरण करता है फ्रेंड्स। तो देखिए हाइलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता फ्लोरीन होता है, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, फ्लोरीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अम्ल वर्षा में मुख्यतः किस गैस के कारण होता है। तो देखिए अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रहना चाहिए फ्रेंड्स, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। तो देखिए मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है, जो मीथेन का प्रतीक होता है फ्रेंड्स, तो देखिए मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स वो CH4 होता है, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, CH4। और फ्रेंड्स देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग की जाती है, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको तो अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। देखिए सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने वर्गीकरण किए थे, तो देखिए फ्रेंड तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड एक वैज्ञानिक थे वो किए थे। और देखिए आवर्त सारणी के जो जनक हैं वो मेंडल हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, अच्छे समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। देखिए छोटा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
देखिए, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट जो होता है वो अणु होता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, अणु। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। देखिए, एक परमाणु द्रव्यमान को AMU में व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, AMU। तो फ्रेंड्स समझ लीजिएगा। और देखिए, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो देखिए, परमाणु, तो परमाणु में सभी तत्व विद्यमान होते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा फ्रेंड्स।